हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर पर रखे कुछ सामान से ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैं 120 ग्राम पनीर ली हूँ और ये घर की पनीर है, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट करेंगे। यहाँ पनीर में बिल्कुल पानी नहीं है तो मैं थोड़े से पानी ऐड कर देती हूँ। इसके साथ 4 बड़ी चम्मच गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब ये अच्छा पेस्ट बन गया है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। अब यहाँ मैं स्टार नोजल ली हूँ, इसे पाइपिंग बैग में डाल देंगे। आप चाहे तो दूध की थैली में भी ऐसे ही बना सकते हैं। अब एक गिलास लेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग बैग डालकर फैला देंगे और इसे साइड कर देते हैं। अब जो हम पेस्ट बनाया है उसमें 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लावर, चावल के आटे भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये तैयार है तो इसको हम पाइपिंग बैग के अंदर डाल लेंगे। अगर आपके मिक्सचर ज़्यादा है तो आप एक साथ पाइपिंग बैग के अंदर ना डालें, दो बार आप डाल के बनाएं इसे। अब इसको अच्छे से बंद कर देंगे और इसको हम साइड करके रख देते हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो इसके लिए 1/2 कप पानी और 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। इसकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी ये चिपचिपी होनी चाहिए। अब ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो इसमें मैं 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ 10 से 12 केसर के धागे हैं, इसको मैं पहले से पानी में भिंगो के रखी थी, इसे भी ऐड कर देते हैं। और अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ, ये ज़्यादा तार नहीं बननी चाहिए, बस ये थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए। अब इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब एक पैन लेंगे, इसमें तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्की गर्म हो। और तेल ज़्यादा आपकी पैन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से बनेंगे ही नहीं। इसे बनाने के लिए आप इस तरह की फ्लैट पैन का ही उपयोग करें, यानी एकदम समतल हो या सपाट कढ़ाई का यूज ना करें, उसमें ऑयल भी ज़्यादा लगेगा और सही से बनेगा भी नहीं। अब हम पाइपिंग बैग राउंड शेप में घुमाते हुए प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से बन रहा है। इसे डालते समय गैस को लो फ्लेम पर रखें ताकि हाथ को ज़्यादा सेक ना लगे और ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। इसे तुरंत करछी का उपयोग ना करें। अब ये थोड़े से नीचे से फ्राई हो गए हैं और तल भी नीचे से छोड़ दिए, तो इसे हम दूसरी ओर कर देंगे और इसे गोल्डन कलर करेंगे। अब ये फ्राई हो गए तो हम इसे निकाल देंगे और बाकी के इसी तरह फ्लावर्स बना लेंगे और चाशनी में एक साथ ना डालें। अब हम सारे फ्राई कर लिए हैं तो इसे चाशनी में डाल देंगे और इसे अच्छे से चाशनी मिक्स करेंगे। इसे 15 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए ये दिखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर बादाम और पिस्ते से सजा लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर से थोड़े से चाशनी डाल रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनती है
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक के बटन को क्लिक करें, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।